सुनिए ना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमारे मन की खुशियों की वजह हमारे रिश्ते होते हैं, हमारे रिश्ते ही हमारे चेहरे पर हंसी लाते हैं और हमारे रिश्ते ही हमारी आँखों में आंसू लाते हैं, चेहरे पर उदासी लाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है कि सच्चाई से प्यार निभाने पर भी, ईमानदारी से रिश्ता निभाने पर भी हमें अपने रिश्तों में दुख मिलता है, दर्द मिलता है? क्यों ऐसा होता है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं वही हमें छोड़ देता है, वही हमें धोखा दे देता है? आखिर क्यों ऐसा होता है कि जो हमें सबसे ज़्यादा दर्द देता है हमें उसी की सबसे ज़्यादा परवाह रहती है, हम उसी के पीछे भागते हैं, उसी के प्यार के लिए तड़पते हैं? अधिकतर लोगों की परेशानियाँ, उनके दुख उनके रिश्तों से ही जुड़े होते हैं। याद रखना एक बात, कोई रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर अगर आप उस रिश्ते में ये 5 गलतियाँ करते हैं तो आपको उस रिश्ते में दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, किसी भी इंसान के आगे कभी गिड़गिड़ाना मत कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाए, तुम्हें छोड़ के ना जाए। जब आप ऐसे भीख मांगने वाली परिस्थिति में आ जाते हैं तो आप उसकी नज़रों में और गिर जाते हैं। अगर वो सच में आपके साथ रहना चाहता तो आपको इतना तड़पना नहीं पड़ता, वो आपको इतना कभी नहीं तड़पाता। दूसरी बात, कभी भी किसी इंसान से इस बात के लिए मत लड़ना कि वो तुमसे बातें करे, तुम्हें समय दे। जिसे आपसे सच में प्रेम होगा उससे आपको समय नहीं मांगना पड़ेगा, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, बात करने के लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा। वो अपना सारा समय अपने आप ही आपको दे देगा, वो खुद आपसे बातें किए बिना रह नहीं पाएगा। अगर आपको रो रो कर किसी से समय मांगना पड़े कि मुझसे बातें करो, मुझे वक्त दो, इसका मतलब उसे अपना समय आपके साथ बिताने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहता। तीसरी बात, प्यार के लिए, आपकी परवाह के लिए, आप पर ध्यान देने के लिए कभी किसी से मत कहना। ये चीज़ें ऐसी हैं, या तो अपने आप ही मिलती हैं या फिर नहीं मिलती, ये मांगने से कभी नहीं मिलती। जिसे आपसे सच में प्रेम होगा वो अपने आप ही आपको प्यार देगा, आपकी परवाह करेगा, आपका ख्याल रखेगा। और आपको ये सारी चीज़ें मांगनी पड़ रही है तो इसका मतलब उसके दिल में आपके लिए कोई भावना नहीं है। इसलिए कभी भी किसी का प्यार पाने के लिए भीख मत मांगना, उसके आगे गिड़गिड़ाना मत। चौथी बात, अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में आप सबसे बाद में आते हो, आपसे पहले उसके लिए दूसरी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो आप उसे अपनी ज़िंदगी में सबसे आगे कभी मत रखना। उसके पास आपके लिए समय ही नहीं है और आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। उसे आपकी परवाह नहीं है और आप उसके लिए मरते रहते हो। उसे आपकी जरा भी चिंता नहीं है और आप उसके लिए बेचैन रहते हो। हमेशा कदर उसकी करो जो आपकी कदर करता हो, आपकी कीमत समझता हो। वैल्यू उसे दो जो आपको वैल्यू देता हो। सबसे आगे उसे रखो जो आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे आगे रखता हो।
पांचवी बात, जिंदगी में कभी भी किसी इंसान के पीछे मत पड़ना। यदि आप किसी के पीछे भागोगे तो वो आपसे दूर होता जाएगा। अगर वो आपके पास होगा तो आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको उसके पीछे भागना पड़ रहा है, इसका मतलब वो आपकी तरफ नहीं, वो आपसे दूर भाग रहा है। और ऐसे लोगों के पीछे भागकर आपको सिर्फ दर्द तकलीफ ही मिलने वाला है। प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन जहाँ आपकी आत्मा रो रही है, जहाँ बात आपकी इज्जत पर आ रही है, जहाँ बात आपकी आंसुओं पर आ रही है, तो आप सबसे पहले खुद को संभालिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने सारे रिश्ते तोड़ देना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो रिश्ता आपको दर्द दे रहा है, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, उस रिश्ते से बाहर निकल जाना ही बेहतर है। क्योंकि इस तरह के रिश्ते आपको बर्बाद कर देंगे। तो इन पांच बातों पर ध्यान दीजिएगा और अपने रिश्तों में इन गलतियों को करने से बचिएगा, ताकि आपका रिश्ता जीवन भर चलता रहे। कहते हैं, नसीब से ज़्यादा भरोसा तुम पर किया था, फिर भी नसीब इतना नहीं बदला जितना कि तुम बदल गए। किसी को भी मनाने से पहले ये ज़रूर देख लेना कि वो आपसे नाराज़ है या परेशान है। जिन्हें रिश्ते निभाना होता है, वो ना बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं और ना ही छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होते हैं। कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते आप खुद टूट जाते हो। अगर आपको जाहिर करना पड़े तो वो दर्द कैसा, और जो आपका दर्द ना समझ सके वो हम दर्द कैसा। जहाँ प्यार होता है वहाँ नाराज़गी होती है, नफ़रत नहीं। अनमोल होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज़ से आपका हाल बता देते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। राधे राधे।